अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी, वो भी अपने स्टाइल में। आप बनाकर देखें और बनाकर मुझे बताएं कमेंट करके। उसके लिए हमने लिया है ये दो टमाटर, छोटे छोटे हैं असल में, एक शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, और ये लिए प्याज। मैगी के 8 पैकेट हैं मेरे पास, ठीक है। दो अलग से मसाले लिए हैं, ये सब मैंने कट कर लिया है। ये प्याज, हरा धनिया, शिमला मिर्चें और ये टमाटर और हरी मिर्चें। तो अब स्टार्ट करते हैं। 1 चम्मच में तेल डाल दी हूँ, तेल थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं प्याज डाल देती हूँ। प्याज हमारी थोड़ी गल चुकी है, अब इसमें हम डालते हैं शिमला मिर्च। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। थोड़ा भूनने के बाद हरी मिर्च डालते हैं और टमाटर डाल देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। ये मैं थोड़ा पका चुकी हूँ इसको। ये मैगी मैंने पैकेट में से निकाल ली है, ये मैं डाल देती हूँ। ये मसाला जो मैगी के साथ पाउच में से आया है वो मैं निकाल ली थी। 1/2 चम्मच मिर्चें डालती हूँ, 1/2 चम्मच नमक, ये थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए काला नमक, और ये मैं अलग से पाउच डाल रही हूँ 2। अब इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी मैंने डाला है। देखिए मैगी में पक्कन आ चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देते हैं, 8-10 चम्मच के करीब। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और एकदम नरम भी रहेंगी। मैगी हमारी तैयार हो चुकी है। इसी के साथ मैं गैस बंद कर देती हूँ और आपको निकाल कर दिखाती हूँ। बेहतरीन खुशबू और लजीज टेस्ट के साथ मेरी मैगी तैयार हो चुकी है।